हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की जो बुक है द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज़ के बारे में फ्रेंड्स ये जो रस्किन बॉन्ड की बुक है इसमें टोटल सत्रह स्टोरीज है और टू हंड्रेड पेजेस की ये बुक है फ्रेंड्स इसकी अधिकतर कहानियाँ जो है वो उत्तराखंड पर बेस्ड है क्योंकि रस्किन बॉन्ड का घर वहाँ पर था इसलिए इसकी सारी कहानियाँ उत्तराखंड पर बेस्ड है ये कहानियां हैं उत्तराखंड के सीधे साधे लोगों के बारे में फ्रेंड्स पहाड़ों पर विकास की गति बढ़ने से और वृक्षों की जगह इमारतों के बनने से और प्रदूषण के बढ़ने से पहाड़ों पर बसे सीधे साधे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उस बारे में ये बुक है तो फ्रेंड्स ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है तो आज हम इस बुक की एक स्टोरी जो कि है द नाइट ट्रेन एट देवली के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स द नाइट ट्रेन एट देवली जो स्टोरी है वो तब की है जब रस्किन बॉन्ड कॉलेज में थे तो फ्रेंड्स ये रस्किन बॉन्ड की खुद की स्टोरी है तो जब वो कॉलेज में थे तो वो गर्मियों की छुट्टी में अपनी दादी के यहाँ जाया करते थे और मई से जुलाई तक वो वहीं रुका करते थे फ्रेंड्स उनका घर देहरादून में था और देहरादून से तीस मील की दूरी पर एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था देवली फ्रेंड्स जब जिस ट्रेन में ये आया करते थे तो वो ट्रेन इस छोटे से स्टेशन पर रुका करती थी फ्रेंड्स ट्रेन करीब सुबह के पांच बजे इस स्टेशन पर आया करती थी और करीब दस मिनट रुका करती थी फ्रेंड्स इस स्टेशन पर एक ही प्लेटफॉर्म था और स्टेशन मास्टर का दफ्तर भी उसी प्लेटफॉर्म पर था और वेटिंग रूम भी उसी प्लेटफॉर्म पर था एक चाय की दुकान थी इस प्लेटफॉर्म पर एक फल वाले की दुकान थी और कुछ आवारा कुत्ते और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाई देता था उस प्लेटफॉर्म पर ना कोई गाड़ी में चढ़ता था उस प्लेटफॉर्म से ना कोई उस स्टेशन पर उतरता था तो रस्किन बॉन्ड ये सोचते रहते थे कि ऐसा ये स्टेशन कैसा है जहां से कोई चढ़ता भी नहीं है कोई उतरता भी नहीं है तो उन्हें इस स्टेशन पर तरस आता था सा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दिन यहां पर उतरेंगे और एक दिन वहां पर बिताएंगे तो फ्रेंड्स एक बार ऐसे ही जब रस्किन बॉन्ड अपनी दादी के यहाँ जा रहे होते थे इस ट्रेन में तब वो अट्ठाईस साल के थे तो वो अपनी दादी के यहाँ जा रहे थे तो ट्रेन फिर से देवली स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने देखा कि एक लड़की एक बहुत ही मतलब गरीब लड़की आ, स्टेशन पर खड़ी है और वो टोकरियाँ बेच रही है आ, सर्दी का मौसम था तो उस लड़की ने अपने कंधों पर शॉल डाली हुई थी और नंगे पैर वो फटे पुराने कपड़ों में खड़ी थी और टोकरियां बेच रही थी तो वो रस्किन बॉन्ड की खिड़की पर आकर खड़ी हो गई दोनों एक दूसरे को देखते रहे पर कुछ बोले नहीं तो एक दूसरे को देखते देखते लड़की आगे बढ़ गई तो रस्किन बॉन्ड से रहा नहीं गया और वो अपनी सीट से उठ डब्बे के दरवाजे की तरफ चले गए और वो ट्रेन के डब्बे में से नीचे उतर गए और चाय की दुकान की ओर जाने लगे तो फ्रेंड्स चाय की दुकान पर भट्टी पर केतली पड़ी हुई थी चाय की और चाय की दुकान वाला अपनी दुकान पर नहीं था वो किसी पैसेंजर को चाय देने गया था तो फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड के पीछे पीछे ये लड़की भी आ गई जो टोकरियाँ बेच रही थी तो उस लड़की ने आकर रस्किन बॉन्ड से पूछा कि क्या आपको टोकरी लेनी है तो रस्किन बॉन्ड ने मना कर दिया कि नहीं मुझे टोकरी नहीं चाहिए फिर उस लड़की ने दोबारा रस्किन बॉन्ड से पूछा कि आपको वाकई टोकरी नहीं चाहिए तो फिर रस्किन बॉन्ड ने कहा कि चलो ठीक है एक दे दो और उस लड़की ने एक टोकरी उनको दे दी और रस्किन बॉन्ड ने एक रुपए उस लड़की को दे दिए वो लड़की कुछ कह ही रही थी कि गार्ड ने सीटी बजा दी और ट्रेन की आवाज से उस लड़की की आवाज दब गई और रस्किन बॉन्ड को भागना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए और रस्किन बॉन्ड लगातार इस लड़की को ही देखे जा रहे थे ट्रेन में से और स्माइल किए जा रहे थे पूरे सफर में वो जागते रहे उस लड़की के बारे में सोचते रहे लड़की का चेहरा उनकी आंखों के आगे आता रहा और फिर देहरादून आ गया उनकी दादी का घर आ गया और उस लड़की की सारी यादें जो थी वो धुंधली पड़ गई तो फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड जो थे वो उस लड़की से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे तो जब वो दो महीने बाद अपनी दादी के घर से वापस जा रहे थे तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन फिर से रुकी और उन्हें वो लड़की टोकरी बेचने वाली लड़की फिर से दिखी और दोनों ने वहाँ पर बैठ बहुत सारी बातें करी फ्रेंड्स वो लड़की रस्किन बॉन्ड के दिलो दिमाग में बस गई थी फिर जब अगली बार वो अपनी दादी के घर जा रहे थे और ट्रेन जब देवली में रुकी तो वो लड़की उन्हें नहीं दिखी और उन्हें स्टेशन पर कुछ भी नहीं दिखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए फिर वो अपनी दादी के घर पहुँच गए पहुँच गए लेकिन इस बार वो अपनी दादी के घर ज़्यादा दिन तक नहीं रुके उन्होंने अपनी दादी को कहा कि कॉलेज जल्दी शुरू हो रहे हैं तो उन्हें जाना है उसके बाद वो वापस जाने लगे ट्रेन जब देवली पर रुकी तो उन्होंने फिर से उस लड़की को ढूंढा पर वो उन्हें नहीं दिखाई दी फिर उन्होंने स्टेशन पर उतरकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन वो फिर भी उन्हें नहीं मिली तो उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उन्होंने सोचा कि उनका जो ये अट्रैक्शन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लड़की उनके सामने नहीं है अगर वो लड़की उन्हें मिल गई तो उनका ये अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा और इसी सोच के साथ रस्किन बॉन्ड ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गए और उस लड़की की खूबसूरती अपनी आंखों में लिए हुए वापस अपने कॉलेज चले गए और उसे हमेशा याद करते रहे तो फ्रेंड्स ये थी रस्किन बॉन्ड की स्टोरी द नाइट ट्रेन एट देवली फ्रेंड्स ये स्टोरी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड की जो ये बुक है द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज इसमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं फ्रेंड्स इसमें आपको सत्रह स्टोरीज़ मिल जाएंगी और वो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं ये बुक पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपको ये बुक परचेस करनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं तो फ्रेंड्स आप मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो